दिक्कत कहाँ से पैदा हुई भैया? दिक्कत यहाँ से पैदा हुई भाई साहब, ना तो हम तीसरी ला रहे हैं ना तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक लड़की हमारे पास फोन की थी लखनऊ से, कह रही थी कि आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, पारिवारिक है, आपकी कमेटी में हम काम करना चाहते हैं। तो हम कहे चलो ठीक है आइए, कहे अभी डांस क्लास सीख रहे हैं, 15 तारीख को हमारा डांस क्लास बंद हो जाएगा, हम इसके बाद आएंगे। और यही बात इन दोनों को हम बता दिए भाई साहब, इतना टंटा बखेड़ा हो गया, तो हम सोचे नहीं थे इतना टंटा बखेड़ा हो जाएगा। हाँ, कह रहे कि लाएंगे उसको कुछ दिन कमेटी में काम करवाएंगे, इसके बाद आप उसको रख लेंगे, इसके बाद हम दोनों को छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात होती है? क्यों, आपके पति तो विकास करना चाह रहे हैं, कहाँ हैं आप? वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मारेंगे बस, सही हो जाए, क्या मारोगे, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, हमेशा मीडिया वाले को सामने यही बोलती हो, झूठ ही बोल रहे हो, कह रहे थे कि अगर वो लड़की आएगी तो आप लोग को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, कैसे लगा कि आप लोगों को छोड़ देंगे, कुछ सुना? आपने मुंह से खुद ही कहे थे कि अगर वो लड़की आएगी तो आप दोनों को छोड़ देंगे। भाई साहब हमेशा जो टॉर्चर करेगा, हमेशा कहेगा कि ये लड़की ला रहे हो, कुछ दिन काम कराओगे इसके बाद रख लोगे, कुछ दिन काम करोगे। अरे ऐसे कैसे, कोई पागल हो गया है? जब आप फोन पे बात करते हो, हम लोग देखे हैं रिकॉर्डिंग आपका पकड़े, तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं पकड़ी भाई साहब, कुछ नहीं पकड़ी, झूठ रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बता देते हैं, सच सच बता देने हमेशा झूठ बोलते, हमेशा झूठ बोलते भाई साहब, सोशल मीडिया पे बदनाम करके रख दी हैं, जो भी बात होती नहीं रहती है, जो सही बात है वही बता रहे हैं। अच्छा ये बात बताइए, जो भी बात होती है घर में सुलझ जाना चाहिए आराम से ना, सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। क्यों डालें? इनको तकलीफ होगी, जब तीसरी पत्नी लाएंगे तो इनको दुख होगा ही। तीसरी ला ही नहीं रहे भाई साहब, हम तीसरी ला ही नहीं रहे हैं, बोल रहे तुम दोनों को छोड़ देंगे। तुम दोनों बोल रहे हैं कि एक लखनऊ की लड़की है, बढ़िया डांस करती है, उसको ले आऊंगा और तुम दोनों को छोड़ देंगे, अपने अपने बच्चा लेकर जाइए, अपने अपने घर कहाँ पड़ जाए, दो दो बच्चा लेकर, तीन तीन बच्चा, आपको बोल रहे हैं बच्चा लेकर जाइए, बहन को बोल रहे हैं, तीन तीन बच्चा लेकर कहाँ पड़ जाए। तो भैया तीसरी का प्लान बन गया भाई साहब, फिर आप इन्हीं तरफ से, जो भी आप, जो भी पत्रकार आते नहीं बोल रहे भाई साहब, जो भी पत्रकार आते हैं सब लोग इन्हीं की तरफ हो जाते हैं, औरत क्या चुंबक लगा के रखी भाई साहब, जो भी बात बोलते हैं तुरंत उनकी तरफ हो जाते हैं, हमारी बात मान नहीं रहे हैं। हम झूठ है जो सच्चाई, वही तो आदमी बोलेगा, वही तो आदमी दिखाएगा, तुम्हारी ऐसी सच्चाई है, कोई चोर है कहता हम चोर है, अपना नाम नहीं देता है, बहुत सफाई दे रही है, भाई साहब सही बोल रहे हैं, हम तीसरी नहीं ला रहे हैं, सिर्फ उससे बात किए, वो हमारे पास फोन की थी, हम उससे बात, अरे तो बातें करते करते धीरे धीरे प्यार हो जाता है, फिर बोल रहे भाई साहब प्यार हो, जिंदगी भर यही करेंगे हम, हमारे लड़के हैं, तीन तीन लड़के हैं, दो लड़का हमारा एक बेटी है, और इसे जिंदगी भर करेंगे हम, इनको दोनों को नहीं समझ में है, इतना समझ में हमारे बहुत है, हम समझ रहे हैं आपकी बात, बहुत समझ रही हो, जब आपको लाना है तो सीधे बता दीजिए दर्शकों को, हमारे लिए फिर वही बात कबूल कर रहे हैं, फिर वही बात कबूल होना चाहती है, आप ला रहे हो, ला रहे हो, बता दो बता दो, अगर झगड़ा करते हो, अगर झगड़ा, अगर आप लाते नहीं तो क्यों उससे जाते गए थे फैजाबाद में मिलने? फैजाबाद में मिलने नहीं गए थे भाई साहब, पैसे की लेन देन तो बात करने गए थे। आप सुनने में आया कि आप तीन चार दिन घर से गायब भी थे? चार दिन घर से गायब थे, उसी लखनऊ वाली के साथ चार दिन से गायब, भैया नहीं गायब थी, ये दोनों लोग नहीं गए थे, हमारे बिना पूछे चंदा भाभी के साथ चली गई आजमगढ़, क्यों पूछे हमारे बिना पूछे, भाभी के साथ हमेशा जा रहे तो गए, भाभी के साथ हमेशा जा रहे, जब तुम गए, जब तुम गई तो हम भी गए, बात खत्म, इनसे बोले आप हमको लेके चलिए, क्या हमसे कोई मतलब नहीं, आप चाहे यहाँ जाइए, हम लेके नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, अपना चैनल हमारा चैनल है, सबके साथ नहीं जाएंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे, सदियम पंडित उंडित नहीं थे, पंडित जी तो कबलवाते हैं कि आप इनसे पूछ कर काम कीजिए, आप इनसे आपसे बगैर पूछे चले जाए और आप लोग इनसे बगैर पूछे चले जाए, कोई मतलब नहीं, पहली बार हुआ, पहली बार हुआ भाई साहब, उनसे पूछ के नहीं गए, हम भी कुछ नहीं बोले, झगड़ा चल रहा था कोई उससे पूछ के जाएगा, झगड़ा चल रहा था, हम क्या तुमसे पूछ के जाए, तुम्हारी ऐसी की तस्वीर, सोचे थे कि चंदा भाभी का विश्वास करते हैं आप, इसलिए चले गए हैं, अभी भी विश्वास करते, कौन नहीं विश्वास करता, हम विश्वास करते हैं, इसीलिए नहीं बोले, क्यों बार बार इसीलिए नहीं, लेकिन एक बार हमसे पूछना था, तो भाई साहब एक बार हमसे पूछना था, मान लीजिए हम गए तो सुबह ही चले आए, चार दिन से गायब थे, बताइए, हाँ चार दिन से गायब है, चाहे 10 दिन से गायब है, जाओ तो कैसे सिखाएगा, जो है तो जो है वैसे भी अगर देखा जाए तो वैसे भी मशहूर है कि दो पत्नी को रखे हैं और तीसरी लाने की व्यवस्था बना रहे हैं, और तब से जो है इनके जीवन में और भी संकट आ गया, अगर तीसरी आ ही जाती तो आप लोग क्या दिक्कत है, यही तो हम भाई लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तीसरी ना आने पाए, हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और आपसे भैया कह रहे हैं कि न्याय दिला दीजिए हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों घर पर रह सकें जैसे पहले थे वैसे अब भी रहे, क्यों आप दोनों लोगों से संतुष्ट नहीं है, क्या क्या दिक्कत है ओ, सब चीज ठीक है, लेकिन इनका ये मतलब है कि आप अच्छा डांस नहीं कर पाती हो, कॉमेडी नहीं कर पाती, व्यूज नहीं जा रहा है, इसी के चक्कर में वो डांसर लेके आ रहे हैं, वो अच्छा खासा नाचेगी और उनका व्यूज जाएगा, वो अपना महल बनवाएंगे, हम लोग को छोड़ने महल बनवाएंगे, महल बनवाएंगे, डांस करेगी,
सिर्फ भाई साहब आ रहे कमेटी में काम करके अपना पैसा लेके जाए, दोनों लोग काम नहीं कर पाते क्या? नहीं अच्छे से काम कर पाती होती, अच्छे से चलता नहीं। आज पाँच छह महीने से अच्छे से काम कर रहे, बहुत अच्छा कर रही हो, अच्छा से हमारा चैनल चल रहा है पाँच छह महीने, बहुत अच्छा चला रहा है। अब नहीं चल रहा, आज पंद्रह दिन जब से उसको पा गए बात करने लगे हैं भाई साहब, ये दोनों लोग चक्कर में लग गए हैं। हमेशा यही बात, दूसरे के चक्कर में लगे हैं, तीसरी ला रहे हैं, हमेशा जो भी बात होता सोशल मीडिया पे मुंह उठा के डाल देती है चट से, इसके बाद नहीं सोचती जाएगी कि रहेगी। अरे भाई देखिए, औरत है उनको बर्दाश्त नहीं होगा ना, कहानी जियत माछी के घोटत ना। अब तू दूसरे लड़की से बताइए कैसे इसमें बर्दाश्त। भाई साहब बात नहीं करते, सिर्फ एक बार बात किए थे तब से बात नहीं किए हैं। एक ही बार में तो प्यार हो जाता है। प्यार नहीं कह रहे, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, हमेशा लगा देंगे तड़ाका, सही हो जाएगी, हमेशा फोन में बैठे रहते हैं, मारने में तो जीते हैं हम, तुरंत अभी पीट देंगे, तुरंत अभी पीटेंगे। ये लोग दो लोग हैं, डर नहीं रहे भाई साहब, दो लोग हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वही है कि दिमाग हमारा खराब कर देती है, बस हमेशा दिमाग खराब कर रखे हैं हमेशा। लगभग एक हफ्ते हो गया ठंडा पे खेड़े चल रहा है, और एक बार हम मान भी गए थे, दोनों लोग आकर हमारा पैर पकड़ लिए, हम मान गए थे, चलो हम लोग इनसे गलती का माफी मांगे, लेकिन क्या मान गए थे, साथ में वीडियो बना रहे हैं आज। अच्छा सुनिए भाई, सुनिए भाई साहब, पहले हमारी बात सुनिए। जैसे दोनों लोग हमारा पैर पकड़ ली, हम मान गए ना, उसी समय से टंटा बखेड़ा चालू बंद, सब कुछ खत्म ना, आराम से रहें, आराम से वीडियो बनाएं, मानिएगा। इसके बाद शाम को हम कहे कि चलो लाओ पानी भर दो, हम नहाएंगे, और पानी भर दी हमारे लिए, एक टप पानी भर दी। इसके बाद हम कहे शैम्पू लोटा कौन देगा, कह रही है कि वही लखनऊ वाली से मांग लीजिए जो है हीरोइनिया, ऐसे बोली, हाँ हीरोइनिया, वही लखनऊ वाली से हीरोइनिया शैम्पू मांग लीजिए, और उसी से लोटा मांग लीजिए, फिर स्टार्ट हो गया उसी दिन। भाई साहब आप भी सोचिए, अगर जब माफी मांगने के बाद इनको सही से बोलना चाहिए ना, हम दोनों सही से बोल नहीं रहे, और अगर जो भी काम करते हैं इनको तुरंत पसंद नहीं रहता, पहले तो वही पसंद हो जाता, अब क्यों नहीं पसंद रहता है? यानी जब से उसे बात कर रहे हैं आप लोगों का कुछ भी पसंद नहीं है? कुछ नहीं पसंद है, अगर मान गए होते पसंद रहता तुरंत, नहीं अगर खाना हम लोग देते हैं तो फिर ये खिसका देते हैं तुरंत, और हम लोग अगर हट जाते हैं तो खा लेते हैं, ये कोई बात है? ऐसा चल रहा कि खाना नहीं खा रहे हैं भाई साहब, जो सही से बोले ना, जो हमारे ऊपर लंछन लगा उसका खाना सही लगेगा, किसी को सही लगेगा? अपना कभी सही बताते हैं, बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कोई पागल हो गया ना अपने घर का बेइज्जती अपने हाथ से करेगा। पागल हो गए, पागल हो गए, हमारे पास दवाई है, जिस दिन डंडा उठेगा उस दिन पागलपन खत्म हो जाएगा, आप तो बहुत सही, जिस दिन डंडा उठ जाएगा ना उस दिन पागलपन। कैसे जीत पाएंगे लोग, दो लोग हैं, दो लोग कैसे आप जीत पाएंगे भाई साहब? औरत है, औरत बस वही है कि चाहे दो लोग हो चाहे चार लोग हो, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बस वही हमारा दिमाग खराब। अगर कर पाए कहाँ से तीसरी लेके आते? चलो तीसरी ला रहे हैं, जाओ, हमेशा बात करती है ये तीसरी ला रहे हैं, तीसरी ला रहे हैं, जला रहे हैं। आदमी गुस्से में कहेगा नहीं, आदमी गुस्से में नहीं कहेगा जाओ तीसरी ला रहे हैं, कितनी बार कहे तीसरी ला रहे हैं, तीसरी ला रहे हैं, जब ला रहे कह रहे हैं अभी लाए नहीं, आई नहीं कमेटी में, आने वाली है, घंटा में खेड़ा चालू। 15 तारीख को कह रहे थे अगर 15 तारीख को आएगी तब साथ में वीडियो बनाएंगे, नहीं नहीं बनाएंगे, 15 तारीख का डेट फिक्स है, 15 तारीख को आएगी। अच्छा ब्यूज का ही चक्कर है या आप दोनों लोग से संतुष्ट नहीं है, ये मतलब कि उस तरीके का चक्कर है ना, किसी का चक्कर है, वो तीसरी लाना चाहते हैं, अब पता नहीं किस लिए लाना चाहते हैं, लाएंगे शादी करेंगे फिर तीसरी लाना चाहते हैं। भाई साहब देख लीजिए, तीसरी लाना, कोई लड़की है तुम्हारे साथ कमेटी में काम करना चाहती है, तुम्हारे पास फोन की थी इज्जत से, तो उसको कह रहे हो तीसरी लाना चाहते हैं, तीसरी लाना चाहते हैं। अगर ये बात सही नहीं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है इतना? ये भी सही बात है, अगर सही बात नहीं तो आप क्यों इतना तड़क भड़क रहे हैं? बार बार जिसको डिस्टर्ब करेंगे भाई साहब, तड़के भड़के का नहीं, बार बार जिसको डिस्टर्ब करेंगे, हमेशा बार बार वही बात, तीसरी ला रहे हो, डांसर ला रहे हो, हीरोइन ला रहे हो, हमेशा यही बात, ये कोई बात है? जब हमेशा फोन पे बिजी रहोगे तो मनी आदमी क्या बोलेगा, जब देखो तब उसी से बिजी रहते हैं फोन पर, तुम्हें पता है उसी से बिजी रहते हैं, तुम कंप्यूटर लगा के बैठी हो, हमेशा देखती हो, अगर उसी से बिजी नहीं रहते हैं बाहर फोन बात करने जाते हैं, घर पे क्यों तुम्हारे बुढ़ा पे चढ़ के बात करें किसी से, और कभी तो नहीं जा रहा की बात करिएगा, ठीक है? बहुत ज्यादा बोलेंगे तुरंत डिस्टर्ब कर दिया, मैं कुछ समझ में नहीं आता कि इनको लतियाएं कि मारे कि डुलाएं, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, जो भी समझौता से लोग तो कोर्ट चली जाएंगे ना, हमारा पति ऐसे कर रहा था, कोर्ट चली जाएंगे, जो करना होगा कर लेंगे कोर्ट से, बड़ी कोर्ट वाली बनी है, इनको किसी का डर नहीं है, ला रहे हैं क्यों आप लोग प्यार नहीं देती है, कहीं आप लोगों से मतलब संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, भरपूर प्यार नहीं पा रहे, प्यार का मतलब नहीं है,
इसमें प्यार का चक्कर नहीं है, इसमें काम करने हम लोग का काम करने नहीं आता है। हाँ। अगर मान लीजिए भाई साहब काम करना नहीं आता, डांस करना नहीं आता है, तो आदमी कोशिश करेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। ये कोई बात है कि तीसरी लाइन अगर नहीं आता करने तो नहीं, नहीं अगर देखिए ऐसा भी बात नहीं है कि आप लोग काफी सुंदर भी हैं, ये भी नहीं है कि आप लोगों को कोई कमी है। आखिर इनको क्या कमी, आपने कभी एहसास किया कि इनमें सुंदरी ला रहे हैं? देखते हैं, फिर बोले विश्व सुंदरी ला रहे, विश्व सुंदरी ला रहे हैं, हमेशा दिमाग खराब कर रखी है, विश्व सुंदरी ला रहे हैं। यही तो आप दोनों की यही जो टिपोसी बोलती हो ना, यही बहुत बवाल कर देगी एक दिन। अच्छा कहीं आपको दो बीबी रखने से कोई आज पश्चाताप तो नहीं हो रहा, जैसे लोग कहते हैं दो नाव पे चढ़ना और फार के मर जाना? नहीं भाई साहब, समझ लीजिए 15 साल हो गए, इतना खुशी खुशी से हमारा जीवन बीत रहा था, हम पेंटिंग से कमा रहे थे अच्छे अच्छे से, आज तक टंटा बखेड़ा नहीं हुआ, कभी भी त्यूतु नहीं हुआ, कभी भी हम डांटे भी नहीं है, अभी भी नहीं डांटे, एक हफ्ता पहले अभी भी कभी डांटे नहीं, ना एक शुकनी तक मारे हैं दोनों को अपने, समझ लीजिए आंख की तरीके से रखे हैं। बस यही है कि एक बार सिर्फ बात कर दी है उस लड़की से, और वो कह दी कि हमें अब कमेटी में काम करना चाहते हैं, इतना टंटा बखेड़ा होगा कि हमें समझ नहीं आ रहा था। हाँ, इतना टंटा बखेड़ा एक बात के लिए, इतना टंटा बखेड़ा होगा। अगर आप छोड़ने की बात नहीं करते तो इतना बात आगे नहीं बढ़ता, क्यों बोल रहे हैं हम दोनों को छोड़ने के लिए? उसी के चक्कर में तो लखनऊ वाली के छोड़ने के लेकर कहाँ जाएंगे भाई साहब? छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं ये दोनों लोग, नौटंकी बनाई है बस। अगर जो सच बताता है वो नौटंकी बनाया है, एक गलत बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग ऑलरेडी दो हैं ही, अगर तीसरी आ ही जाती तो आप लोग क्या? नहीं है, अब नहीं आने देंगे ना, हम दोनों लोग काफी है। तो कहाँ, तो आप लोग कहाँ संभाल पा रहे हैं पति को अपने? हम क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जब इनको लाना है तीसरी, तो अगर लाना है तो लेकर बाहर रहेंगे, हमारे घर पे नहीं रहना है, इस घर में हिस्सा नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये लेकर आई थी अपने घर से, लेकर आई थी हमारा घर, अपने घर से लेकर आई थी हमारा घर, इनका घर हो गया अपने, हमारा घर आज चाहे आज डुला दे तुम लोगों को, मार मार कर दिमाग करके लेके आना चाहता हूँ, जाइए बाहर रहिए, और हमारा दोनों फिर बोल रही है तीसरी वाला दे दीजिए, पिगड़िया सुमन वाला चैनल दे दीजिए, अपना जाकर दूसरा चैनल बनवा लीजिए, चैनल दे दे इनको, अजीत पेंटर हैदरगंज वाले पे इतना हम काम किए हैं भाई साहब चैनल पे, इनको चैनल दे दे। आप हार जाए क्योंकि मोदी ने सब कुछ औरतों के नाम कर दिया, औरतों के नाम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हमें हारना जीतना नहीं, हमें तीसरी लाना ही नहीं है, कहाँ से हारे जीते, बस यही इन दोनों का दिमाग सही हो जाए, ये कोई दवा हमें कोई बता दे, अच्छा बस सही हो जाए इनका दिमाग। तो इन दोनों का दिमाग सही करने के लिए तीसरी से बातें कर रहे हैं क्या? तीसरी नहीं बात कर रहे भाई साहब, फिर आप इनकी तरफ से बोल रहे हैं? मैं इनकी तरफ से नहीं बोल रहा, फिर बोले, फिर बोले भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा। अगर हमें ऐसा पता लग जाता कि आप इन्हीं तरफ से बोलेंगे भाई साहब, आपका फोन नहीं उठाते ना, आपका रिपोर्ट देते हम नहीं, पक्षपाता की बात नहीं कर रहे हैं, पक्षपात बिल्कुल नहीं कर रहे भाई साहब, कह तो रही है यही तो कह रही है, रिकॉर्डिंग हम दोनों को छोड़ देंगे तब हम आपसे पूछ रहे हैं। रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है, सिर्फ झूठा बता रही है। अच्छा सुना दे रिकॉर्डिंग, कोई प्रमाण आप लोग रखे कुछ नहीं है, कुछ क्या रखेंगे, जब मोबाइल में रिपोर्ट मारते थे मोबाइल छोड़कर डिलीट कर दिए, डिलीट कर दिए, अपना जीव बचाए कि बस तुम्हारी मोबाइल बचाए, मोबाइल बचाए, बड़ा जीव बचाए, हम कसाई हो गए इनका जीव लेने पर, कसाई नहीं हो गए लेकिन मारते थे, झिझकोरते थे, अभी मारे नहीं भाई साहब, सिर्फ हमारा मोबाइल छीन रही थी, सिर्फ झिझकोर कर उनका मोबाइल ले लिया, बस मारे नहीं है, और जिस दिन मारेंगे ना, ये दिमाग नहीं, ऐसा चेहरा नहीं रहेगा, थप्पड़ का चेहरा ऐसा नहीं रहेगा भाई साहब। अरे तो दोनों अगर एक हो जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे भैया? अरे भाई साहब, 6-6 महीना हम पहलवानी लड़े हैं, सब दोनों लोगों को एक एक हाथ में सही कर देंगे। नहीं, ये तो लोग मान है कि आप पहलवान है, कम से कम दो पत्नी संभाल रहे हैं, सही कर देंगे भाई साहब, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोच रहे हैं जो मर्जी वो करें, चाहे दोनों कुछ बोले नहीं, आप जाइए जहाँ पर मर्जी वहाँ पर रहिए, चाहे तीसरी लाओ चाहे चौथी लाओ, तुम्हारा घर है लाई हो है, नहीं तो कैसे बात कर रहे हैं? किसका घर है? अम्मा से पूछवा दें, अम्मा से क्या पूछवा, क्यों नहीं पूछवाएंगे, इनकी माता जी खुद कह रही है अगर तीसरी लेके आएंगे तो घर में नहीं रहने, बार बार बोल रहे तीसरी ला रहे चिल्ला मत ज्यादा, जब तीसरी आएगी तब कहना ना, जब तीसरी आएगी तब बोलना, तब मीडिया वालों को बुलाना, अभी से सबको बुला रही हो? हम किसी को बुलाए नहीं है, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो लोग हमारे घर पे आते हैं भैया कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो है ही है, जब मैटर चल रहा है वो तो सामने आएगा ही, वैसे लोगों में भूचाल मचा था कि दो हैं, लेकिन अब ये तीसरी की बात जब से आई है तब से लोग फिर जो जानना चाहते हैं अजीत भाई कैसे संभालेंगे। इस समय बहुत सारे मीडिया वाले भाई आ रहे हैं तो कह रहे हैं सबको बुला रही हूँ, सबका नंबर हमारे पास है, जो हम सबको बुलाएंगे, जो हमारा वीडियो देखता है हमारे घर पे आता है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल आएगा, मीडिया का काम ही क्या है। हाँ, ये वीडियो डाले
क्यों नहीं डालेंगे? डालते हैं सोशल मीडिया पे, बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? अगर इतनी समझदारी होती ना तो वीडियो सोशल मीडिया पे न डालते, डालेंगे अपने आप समझ लेते हैं। जो चाहो तो घर पे मारो, घरिया हो घर से निकाल दो, और हम सब अपने भाई लोग से सपोर्ट न मांगो। तुम्हारा सोशल मीडिया वाले भाई तुम्हारे भाई है, एक पैसे की मदद नहीं करेंगे तुम्हारे भाई जब पीटी जाओगी तो। क्यों नहीं करेंगे? जो रहेंगे तो करेंगे, जब आने मारोगे तो कैसे करेंगे? पूछा कहां पीटोगे भैया? अरे तुम्हारे कारण का भैया काहे मारने का कारण भाई साहब अभी तक हाथ नहीं उठाएंगे ना उठाएंगे, सिर्फ इतना बता रहे कि हाथ उठाने पर मजबूर ना कर दे बस। हाँ अगर तीसरी कोई मान ले जिसे आप बात कर रहे हैं, खुशी खुशी बात करने दे तो आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा? खुशी खुशी बात करने कोई बात नहीं है, वो कमेडी में काम करना चाहती है। इनका टंटा बखेड़ा देख कर अभी देखी हो सकता नहीं देखी हो, अगर इनका टंटा बखेड़ा देखी की वो आएगी नहीं, कौन पागल आएगी इनके घर में इनका मार खाने। बनी है तीसरी ला रहे, तीसरी ला रहे बेकार भैया, तुम्हारी ऐसी की तैसी खराब कर रखी हो, चिल्ला मत हमको ठीक है। यही देख लो, देख लो, देख लो भाई अभी इसी पे हाथ उठ जाए, तुम हमेशा गाली दोगे, तुम हमेशा मारोगे तो हम सब तुमको आरती उतारेंगे, थरिया लेकर तुम हमारे ऊपर हाथ उठाओगी? हाथ उठाओगी नहीं, तुम मारोगे तुमको कोई घी देगा, ये खिलाएगा आपको, आरती करेगा। मारो पहले, मारो 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 हमें मारो 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 ऐसी की तैसी आपको। अरे जब तीसरी लाएंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, सच्चा मर्द वही है जो खाए जूती वाइफ से, तो इस कलयुग में भी मर्द होता है जो पत्नी की मार खाता है। भाई साहब जिस दिन ऐसी नौबत आएगी ना उस दिन खत्म हो जाएगी कहानी। क्या कहानी खत्म कर देंगे? दोनों को हटा देंगे? हाँ तुरंत हटा देंगे, जिस दिन हमें एक शब्द गाली भी दे देंगे, जिस दिन ये शब्द ना उस दिन जान समझ। इतना तो दावा कोई तभी कर सकता है जब उसका तीसरे से आशा होगी हम तीसरी को लाके संभाल लेंगे। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, फिर बोल रही थी इन्हीं की तरफ से, हम इनकी तरफ से नहीं बोले भाई साहब, तरफबाजी कोई नहीं कर रहे, तरफबाजी कर रहे बार बार, बिल्कुल तरफबाजी नहीं कर रहे, बोले नहीं की तरफ से। ये दर्शक क्या जानना चाहते हैं? दर्शक क्या जानेंगे भाई साहब, दर्शक क्या जानेंगे? जब आप आए, आपसे हमसे बात हुई, हम कहे चलो ठीक है आइए, आने के बाद इन्हीं की तरफ हो गए। आप समझिए कोई बात ना, कोई बात समझ बुझ के बात करिए, थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या दर्शक को समझे, बिना समझे ही बात कर रहे हैं, जैसे जो देखेगा उसी तरह तो करेगा बात। देखने की बात अलग है, जो हकीकत है वो अलग है। हकीकत जो है हकीकत जो है अलग है, हकीकत बात अलग है। हकीकत बात यही है कि कमेटी में काम करने के लिए बोली है, अगर इनका टंडा बखेड़ा देखेगी वो आएगी नहीं, बात खत्म, शांत हो जाना चाहिए ना, तो यही से मैटर खत्म हो जाएगा, मैटर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब जैसे कोई बात होती है, अरे हम वहीं पे बैठे रहेंगे, किसी का फोन आएगा, सर की फोन आ गया, वाह लखनऊ वाला का, लखनऊ वाले का फोन आ गया, अभी बात करेंगे मुस्किया मुस्किया के, तुरंत स्टार्ट करते हैं तो और क्या बोले, तुरंत कहानी स्टार्ट कर देती है। हमेशा डंडा बखेड़ा करी है, एक हफ्ते से हो गया भाई साहब, एक हफ्ते से हो गया, दिमाग खराब कर, हमारे दोनों का दोस्त है, आपका तो बहुत अच्छे हैं, वो तो दुनिया देख रही, कितनी अच्छी दुनिया देख रही है, दुनिया के दिखाओगी दुनिया, अगर अच्छे नहीं होते ना तो इतना डंडा बखेड़ा नहीं फैलता, बस वही अपन जब देखो तब तीसरी में बिजी रहते हैं हमेशा, तीसरी में बिजी रहते हैं। अब कह तो रही है भाई, कहने दीजिए, सब पागल हो गई हैं, बस इनका दिमाग सही करना है, ये अच्छे हैं, बाकी सब हम लोग पागल हो गए हैं, ये अच्छे हैं, ये ठीक है, हम अच्छे हैं। अच्छा एक हफ्ते से ही ये झंझट चालू है, उसके पहले आप लोगों का जीवन अच्छा था? और कभी नहीं ऐसा होता था भाई, 15 साल हो गया, कभी तेज से डांटे भी नहीं थे, लेकिन बस उन्हीं लखनऊ वाली के चक्कर में इतना इनका दिमाग खराब हो गया कि हम दोनों को बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, और कभी नहीं बोले थे, अगर कहते बाहर चली जाओ, हाँ बोल रहे हैं घर छोड़कर चली जाओ, बताओ बोल रहे हैं अपना बच्चा ले लो दोनों लोग और चली जाओ घर छोड़कर, और तो कभी नहीं बोले थे, जैसे उससे बात करने लगे तब से बोलने लगे हैं ऐसा। अपनी सौतन कैसे बर्दाश्त करेंगे ये लोग, फिर बोले भाई साहब सौतन बर्दाश्त करेंगे, फिर आप बोल रहे हैं सौतन, हम आपको बता दे रहे हैं बार बार कि हम तीसरी नहीं ला रहे हैं, कह रहे सौतन बर्दाश्त तो नहीं, नहीं ला रहे, उनको कहने दीजिए, झूठ बोल रहे हैं, उनको कहने दीजिए जो कह रही हैं, उनको कहने दीजिए, तो हम मान गए हैं कि हम नहीं तीसरी लाएंगे। अरे वो उनकी बात है, सब मतलब दर्शक सामने ऐसे ही करते हैं, हम ही लोग जानते हैं, टॉर्चर करते हैं आप लोग, बिल्कुल करते हैं, इसीलिए हम सोशल मीडिया जो बात होती है अपना डालते हैं। क्या टॉर्चर करते हैं, क्या करते हैं, अगर घर में कुछ लाना पड़ा कैसे नहीं लाएंगे, जाओ ले आओ बता दे, टॉर्चर ये करती है, हम नहीं करते हैं, बार बार हमेशा बस तीसरी वाली हो ला रहे हो, नचनिया ला रहे हो हीरोइन ला रहे हो, कॉमेडी में अच्छा अच्छा काम करेगी, ऐसा कपड़ा पहनेगी वैसा कपड़ा पहनेगी, ये कोई बात है, बात खत्म होगी, इस बात खत्म करो, लेकिन बार बार औरतों का यही दिमाग खराब होता है, बार बार टिपोसी,
ये काली कहा से ऊपर वाले ने इनको टिपोसी सिखा दिया है, बार बार टिपोसी बोलती रहती है बीच बीच में। अगर अच्छा खासा दिमाग रहे आपका ना तो दो बार टिपोसी बोलेंगे कहानी खत्म हो जाएगी, दिमाग की ऐसी कैसी हो जाएगी। वैसा करती है दोनों लोग आपस में टू 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 लड़ा के फुसफुसा के बतिया लेती है, इसके बाद टिपोसी बोलती है हमेशा। दोनों लोग एक हो गई, दोनों लोग हमेशा 15 साल से एक ही है भाई साहब। इनको कुछ बोलो तो ये बोलती है, इनको कुछ बोलो तो ये बोलती है, एक ही है समझ लीजिए कि बस वही एक भी झूठ है। आज 4-5 दिन से गैस खत्म हो गई है, पहले अगर गैस खत्म होती तुरंत भरवा कर ला कर देते हैं, सुबह खत्म होती अगर खाना बना नहीं रहता तुरंत लाते हैं, पाँच दिन से खत्म हो गया गैस नहीं भरा कर ला रहे, बोल रहे हैं जाओ लकड़ी तू लोग कहाँ पर जाए हम दोनों। दर्शकों को मांग लो जिसको सारी चीजें वीडियो बना के डाल रही हो सोशल मीडिया पे, सबको तुम्हारी परेशानी समझ में आना चाहिए, मांग लो गैस ला के चक्कर में नहीं होता गैस भरवा कर ला कर दे देते तब तक। वही तो हम देख रहे थे दर्शकों कहाँ चले गए, दर्शकों से दर्शकों के अब तक तुम्हारे दर्शक नहीं थे, अब से यूट्यूब चैनल बना ली हो तुम्हारे दर्शक लोग भगवान हो गए, नहीं रहेंगे कि हमारे भगवान तो ये हैं, भगवान हो गए तुम्हारे दर्शक। तो ये एक हफ्ते से इनका झगड़ा चालू है, 15 साल से इनका जीवन अच्छा खासा चला, और अब क्या हकीकत है क्या सच्चाई हो तो सामने आएगी ही। लेकिन बहरहाल आप लोग कैसे संतुष्ट रह पाएंगे, क्या चाहती हैं आप? यही चाहते हैं कि तीसरी बीवी ना आने पाए, जैसे हमारा अच्छा खासा पहले 15 साल से चल रहा था उसी हिसाब से चले। आज सबसे पहले शादी आपसे हुई थी जी, कितने दिन बाद आप आई थी? बस एक ही हफ्ते बाद। एक ही हफ्ते बाद, तो फिर आप लोगों को क्या दिक्कत है? अगर आप लोग दो ऑलरेडी हैं तो तीन हो जाए जो है बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाए आप फिर लड़ाई लगवा रहे हैं हम लोग की तरफ से? भाई साहब लड़ाई हम नहीं लगवा रहे हैं, भाई साहब आप बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप दो हो तीसरी हो जाए, हम तीसरी ला ही नहीं रहे, आप हमेशा बोल रहे हो तीसरी हो जाए। अरे हम इनसे कर रहे हैं बातें जो आप नहीं, बात मत करिए, आप इनसे देख रहे हैं हो सकता है कि नहीं आप कह रहे थे इनकी तरफदारी से बात कर रहे हैं पहले हमारे, हाँ आप अभी कह रहे थे इनकी तरफदारी से, आप तो हम आपकी तरफदारी बात हमारी, इतना मदद मत करिए भाई साहब, इतना मदद इतनी तरफदारी मत करिए कि दो है तीसरी हो जाती, हम तीसरी ला ही नहीं। दर्शक उनको भी सहानुभूति हो रही आपसे तरस आ रहा कि दो पत्नी है तो हमसे किसी को तरस आना नहीं चाहिए, हमसे किसी को तरस नहीं आना चाहिए भाई साहब, हम तीसरी ला ही नहीं रहे, कहां से तरस आएगी? हो सकता है ये लोग सोचते क्योंकि आप बात कर रहे हो सकता है बात कर रहे भाई साहब, यही लोग तो बता रहे कि आप बात कर रहे हो तभी तो बकेड़ा खड़ा हुआ है, वो लोग बता देंगे उसी को मान लोगे आप, अरे जो आप कहोगे उसको भी तो मान रहे हैं, वही तो इन लोगों से पूछ रहे हैं तीसरी आ जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं दिक्कत है, हमें तीसरी लाना ही नहीं, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों अपने चैनल से काम कर लेंगे अच्छा खासा। लेकिन आपके पति नहीं संतुष्ट है ना आप दोनों के कामों से, वो तो बोलते हैं आप लोग काम ही नहीं कर पाते हैं, डांस नहीं कर पाते, कर नहीं पाते भाई साहब, तो 5-6 महीना से कैसे चल रहा है हमारा चैनल, अब तक तो चलता नहीं है, और यही रिक्वेस्ट है भाई साहब से कि तीसरी ना आने पाए, हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और नया दिलाई दीजिए आपका नेक्स्ट वीडियो। तो कम से कम देखिए ये जो यहाँ का झगड़ा झंझट है जो कुछ भी है, हम चाहेंगे कि लोग प्यार मोहब्बत से जैसे बिता रहे थे वैसे अपना जीवन बिताएं, लेकिन बहरहाल कहते हैं कि जो होना होता है जो ऊपर वाले को मंजूर है, अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा कि तीन पत्नी इनको हो जाए, इनके भाग में लिखा होगा, किसी पंडित साहब अपना हाथ वाथ दिखवाए थे भाई साहब? हम ये सब नहीं मानते, किसी से हाथ वाथ नहीं दिखवाते हैं, कभी नहीं दिखवाते। तो जैसे शादी से पहले जब आप पहली शादी हुई थी तो कोई किसी ने बताया था कि आपके पास दो पत्नी होगी या कैसे आपने सपना सोच लिया? दो कुछ नहीं सोचे भाई साहब, ऊपर वाले ने हो सकता है कोई अच्छा कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, हो सकता है कि अयोध्या राम की नगरी में दशरथ की नगरी में उसका असर हो, कुछ भी दिक्कत तो ठीक है। अगर दशरथ जी का आपने नाम लिया तो उनके पास तीन थी, तो आप भी एक अयोध्या की वासी है तो आपको अभी कलयुग का एक उपाधि मिलेगा अगर तीन हो जाएंगे भाई साहब, वो हमारे भगवान है, वो भगवान है, उनकी नगरी में है प्रसाद तो मिलना चाहिए जी, बिल्कुल भगवान है तो उनका अनुसरण उनके कदमों पर चलना चाहिए। हम यही सोच रहे हैं आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, यही सोच रहे हैं आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, तीसरी लाने के चक्कर में आप पड़े हैं, इसीलिए तो हमारे हमको क्या मिलेगा, तीसरी महरारू आप लाएंगे, सब कुछ खाना पीना आपको खिलाएगी, हमको क्या मिलेगा बताइए, हमको हमारा क्या स्वार्थ है, हमको क्या मिलेगा? आप भाई साहब वही उगलवाना चाहते हो, बार बार यही बोल रहे हैं कि हम तीसरी नहीं ला रहे हैं और न लाना चाहते हैं, दो लोग हमारी है, हमारी जब समझ लीजिए हमारी आँख है, लेकिन बार बार आप कह रहे हो कि नहीं तीसरी आ जाएगी, तीसरी लाना चाहते हो, तीसरी का आशीर्वाद मिल जाए, तीसरी ला ही नहीं रहे हैं और न लाएंगे तीसरी, बस वही कमेडी काम करने के लिए बोली उसी की टंडा बखेड़ा है, वो अपना सुलझ जाता, लेकिन सोशल मीडिया पे इनको दोनों को सोशल मीडिया पे कोई वीडियो नहीं डालना था, हाँ आराम से अपना सुलझ जाता,
लेकिन अब सुलझेगा भी नहीं, जिस तरीके से माहौल दिख रहा आप लोग का गर्मी नहीं सुलझेगा, ऐसा रहेगा नहीं सुलझेगा। तो अगर नहीं सुलझेगा फिर आप अगला कदम कौन सा उठाएं? अगला कदम कुछ भी नहीं उठाएंगे भाई साहब, ऐसे चलेगा, इनका भी मुंह इतना बड़ा रहेगा, हमारा भी इतना बड़ा रहेगा, ऐसे चलेगा, देखते कब तक चलता है। रात को खाना पीना खाना पीना नहीं देंगी तो अपना खाएंगे। लेकिन ये लोग बता रही, जब से आप उससे बातें कर रहे, इससे पहले ढेर सारा प्यार करते थे, गैस भरा देते थे, जो कुछ भी सिस्टम था, लेकिन एक हफ्ते से आपके अंदर परिवर्तन हो गया है। इन लोगों को शौक थोड़ी है कि आपसे झगड़ा करेंगे? शौक नहीं है भाई साहब, लेकिन ये दोनों लोग मान जाए बस कि चलिए ठीक है हम नहीं ला रहे हैं, बात खत्म। आज समझ लीजिए हम नहीं ला रहे हैं, बता दे हम नहीं ला रहे हैं, चलो ठीक है नहीं आने देंगे उसको, बात खत्म है। लेकिन कह दो बोली ना बोले ना, बीच बीच में बोली बोलते हैं, बीच बीच में क्या बोलती है लोग? कहती है कि अरे कुछ भी करने को कहो ना, अगर खाना लाओ, खाना ला के रख देती है, पानी अरे पनिया दे जाओ, अरे पनिया लखनऊ वाले से मांग लो। हाँ जो नचनिया है, जो क्या है कि जो अच्छा डांस करती है, हीरोइनिया से मांग लो। हाँ बोलती है आप लोग, कौन नहीं बोलेगा? कौन नहीं बोलेगा? बात करोगे तो बोलेगा ना इंसान, हम लोग हमेशा हमेशा कुरेदती रहते हैं, कुरेदती रहती है, कुछ ना कुछ निकले मसाला। अच्छा आप लखनऊ वाली से बात कर रहे हैं, लोगों को कष्ट है, अगर ये लोग किसी लड़के से बात करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? भाई साहब ना हम बात कर रहे हैं ना ये बात कर रहे हैं, वो तो एक बार बात तो सीधा झूठ बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं बात कर रहे हैं, आप भी फंस रहे हो अपनी बात नहीं में। एक बार सिर्फ वो हमारे पास फोन की थी, हमारे पास एक बार फोन की थी, वही बात की, वही उन दोनों लोगों को बता दिए, तब से हमारी बात ही नहीं हुई है, उसी दिन से टंडा बखेड़ा चालू है। और जो बात करते हैं बिजी रहते हैं, जो बात करते हैं बिजी रहते हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। यानी कि ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं? भाई साहब अगर दिमाग में अगर कीड़ा घुस जाएगा ना, अगर कहीं भी बात करोगे तुरंत समझ जाएंगे। अरे कीड़ा निकलेगा कैसे? वही कीड़ा निकालने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों का झगड़ा खत्म ही नहीं दिख रहा है। हाँ खत्म नहीं होगा, ऐसे रहेगा तो खत्म नहीं होगा। इनका दिमाग खराब हो गया है। चलिए ठीक है, जो कुछ भी इनका मैटर है, हम चाहेंगे कि लोग संभवतः प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन दो दो पत्नी को संभाले हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में कोई एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहा है। और आपका कुछ चैनल है किसके? हाँ हमारा अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से चैनल। भाई साहब सभी से हाथ जोड़ के विनती है, भाई साहब इतना टंडा बखेड़ा चल रहा है और सभी लोग इनको समझाइए, हमको ना समझाइए, हम समझदार हैं, हम तीसरी नहीं ला रहे हैं, इनको समझाइए कि मतलब दिमाग से सही रहें बस, और हमें खाने जीने दें और हिसाब से रहें दोनों लोग। जैसे 15 साल से आ रहे हैं, इसे एक हफ्ते से जो नाटक चल रहा है ये नाटक बंद हो जाए, इनका दिमाग कोई सद्बुद्धि इनका खोल दे, बस यही बात है। और हमारे चैनल का नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए भाई साहब। और इनका भी चैनल हम बनाए हैं एपी गुड़िया सुमन के नाम से। अच्छा उसको अलग अलग चैनल है क्या आपका? हमारा अलग, हमारे चैनल का नाम है दोनों लोग चैनल का क्या नाम है? तो आप लोग एक ही चैनल पे क्यों नहीं काम करते? आप लोग तो पहले से अलग का सिस्टम बना लिए हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? वो हमारा चैनल, जब वो हमारा मोनेटाइज हो गया तो हम सोचे कि एक और बना लेते हैं, उससे भी काम करते, जब अच्छा चल रहा है तो भी मोनेटाइज हो जाएगा, उससे भी काम करेंगे। अच्छा अच्छा जो इनका वाला चैनल उस पर भी आप लोगों का वीडियो दिखता है? दोनों पे काम करते हैं, बड़े वाले चैनल पे हम ही लोग का तो वीडियो वायरल हुआ है, हम ही लोग का वायरल है जो इस समय अच्छे चल रहा है, जिसपे 61,600 सब्सक्राइबर हैं। जी जी जी। हाँ। तो आप लोग जो है, जो भैया ने चैनल बताया उस चैनल पे जाइएगा, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए।